वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, दिस इज़ योर SST क्लास। चैप्टर 2 हिस्ट्री में हम लोग रीड कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना। लॉर्ड विलिंगटन, जो कि हमारे लॉर्ड इविन के बाद के जो वायसराय रहे हैं, जो नेक्स्ट वायसराय थे वो थे लॉर्ड विलिंगटन। इनका जो टाइम है वो है 1931 टू 1936। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 एंड फेलर ऑफ द कॉन्फ्रेंस रिजम्पशन ऑफ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस का जो फेलर था और उसमें फिर जो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को फिर से शुरू किया गया। अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्डिंग 1932, ये मिस प्रिंट दे दिया है यहाँ पे, 1932 आएगा आपकी बुक में, मिस प्रिंट है। अंडर विच सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स वर सेटअप। तो 1932 में अलग सांप्रदायिक मतदाताओं के साथ सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1932। नेक्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, तभी पारित हुआ। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1935, और जो बर्मा है वो भारत से अलग हुआ था कब, 1935 में। अब जो हमारे नेक्स्ट वाइसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड लिंडिथगो। इनका जो टाइम है वो है 1936 टू 1944, आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब ये वायसराय बने 1936 में, उसी समय के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का प्रकोप स्टार्टिंग होने वाली थी। 1939 में ये स्टार्टिंग हुई। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त में 1942 में शुरू हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1936 टू 1937 कांग्रेस अटेंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 6 स्टेट्स। पहली बार जो पहले आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत शामिल हुई। नेक्स्ट है हमारा रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1939 में, तो उसके फैलने के बाद जो कांग्रेस के मंत्रालय थे उनका इस्तीफा रेजिग्नेशन। नेक्स्ट है अगस्त ऑफर इन 1940 बाय द वाइसरॉय। अगस्त में 1940 में एक ऑफर प्रस्ताव दिया गया, इट क्रिटिसिज्म बाय द कांग्रेस एंड एंडोर्समेंट बाय द मुस्लिम लीग, जिसे कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना और मुस्लिम लीग द्वारा इसका समर्थन किया गया। विंस्टन चर्चिल वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इन 1940। 1940 में विंस्टन चर्चिल को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया
in 1941 and organization of the Indian National Army. 1941 में भारत में ठीक है एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडिया फ्रॉम इंडिया इन 1941 एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल आर्मी 1941 में भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन क्रिप्स मिशन एंड क्रिप्स प्लान टू ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट्स रिजेक्शन बाय द कांग्रेस क्रिप्स मिशन और क्रिप्स प्लान ने असेंबली स्थापित करने में भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की योजना बनाई कांग्रेस द्वारा इसकी अस्वीकृति मतलब इसे रिजेक्ट किया गया पासिंग ऑफ द क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन बाय द कांग्रेस इन 1942 आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवॉल्यूशन और रिवॉल्ट ऑफ 1942 आफ्टर द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया 1942 में अगस्त क्रांति का प्रकोप और रिवॉल्ट ऑफ 1942 आफ्टर द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर किसके राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नेक्स्ट जो हमारे वाइसरॉय रहे हैं वो हैं लॉर्ड बेविल इनके टाइम ड्यूरेशन है 1944 से 1947 तक ये रहे कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 में हुआ सी गोपालाचारी सी आर फॉर्मल इन 1944 फेलर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स इन 1944 1944 में सी गोपालाचारी की औपचारिक और गांधी जिन्ना की वार्ता विफल हुई फेलर्स रहा बेवल प्लान एंड द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1942 1942 में वेबल योजना और शिमला का सम्मेलन हुआ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1939 में ये दे रखा है और कब ख़त्म हुआ था 1945 में प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन इन 1946 एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस जिसकी स्वीकृति किसने की थी कांग्रेस द्वारा की गई अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली ऑन फेब्रवरी 20, 1947 भारत में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की घोषणा की गई किसने की थी जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली ने इसकी घोषणा की कब की थी 20 फरवरी इन 1947 20 फरवरी 1947 में द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन December 9, 1946 9 दिसंबर 1996 को घटक विधानसभा की पहली बैठक हुई फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई लॉर्ड बेविल के बाद के जो हमारे वाइसरॉय रहे हैं वो हैं
लॉर्ड माउंट बैटन जिनका टाइम है रहा है, ये मार्च में बने थे, वाइसरॉय अगस्त तक रहे, क्योंकि उसके बाद में वाइसरॉय का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये मार्च में बने थे, 1947 में अगस्त तक रहे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये, सक्सीडेड बाय सी राजा गोपालचारी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। किसके द्वारा सफल हुए? भारत के पहले मुक्त गवर्नर जनरल द्वारा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन, इन द हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता बिल को पारित किया गया, उसको जाना गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 4, 1947, बाय विच इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 4 जुलाई 1947 में, उसके बाद इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत स्वतंत्र हुआ और हम लोग इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं जैसे कि 15 अगस्त। तो ऑन 15 अगस्त 1947 से इंडिया जो है वह इंडिपेंडेंट हो गया। तो चैप्टर 2 रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम करेंगे एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो।